हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। अब बच्चे, बायोलॉजी की फील्ड में किस तरह से मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की, आपसे ये बात बताई जाए कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाथ जो था वो मुस्लिम साइंटिस्ट का था। मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी उसको इजी किया हमारे लिए। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 721 को पैदा हुए थे और 815 में इनकी डेथ हुई। ये ईरान में पैदा हुए और यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद इराक में जाके प्रैक्टिस की मेडिसिन की, मेंस के वहां पे जाके इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया और वहां पे इन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट करी। इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट जो थे उनको करना सिखाया कि किस तरह से कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी दो बेसिक बुक्स, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इनकी बुक्स जो जानी जाती हैं, एक है अल नबातात और दूसरी है अल हैवान। अल नबातात का मतलब होता है प्लांट्स, नबातात का लफ्ज ही पौधों से लिया गया है। नबातात का मतलब होता है प्लांट्स एंड हैवान का मतलब होता है जानवर। तो अल नबातात के अंदर जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो हमें इस बुक में मिलती है और अल हैवान के अंदर जितनी भी डिटेल स्टडी है वो हमें इस बुक के अंदर जो है वो मिलेगी। तो जाबिर बिन हयान का आपने क्या क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें आपने याद रखना है कि ये ईरान में पैदा हुए, इराक में इन्होंने प्रैक्टिस की, इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो थे इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनकी कितनी बुक्स हैं, उसके क्या क्या नाम। बच्चे ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो आपको लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चे आपने क्या करना है, ये तीन साइंटिस्ट हैं, वन बाय वन इन तीनों साइंटिस्ट का पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जिस तरह से जाबिर बिन हयान जो है ईरान में पैदा हुए और इन्होंने कहाँ प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद आपने इनकी बुक्स के बारे में जो है वो बताना। अगर आपको शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में ये इस तरह से आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन जाबिर बिन हयान, राइट अ नोट ऑन बू अली सीना, के टू टू मार्क्स का आपको ये शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है। आपको एमसीक्यूज में इनकी बुक्स के बारे में बताया जाए, पूछा जा सकता है, किसी एक बुक का नाम दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा कि बताइए किसकी बुक है, या फिर साइंटिस्ट का नाम दे के पूछा जा सकता है कि इसकी बुक्स इनमें से फाइंड आउट करें कौन सी है। तो आपने इसको शॉर्ट के तौर पे भी प्रैक्टिस करनी है और लॉन्ग में भी। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं, मुसलमान के जो साइंसदान हैं, इन्होंने साइंस की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा जो मेहनत है या कंट्रीब्यूशन है वो की हुई है। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आपके पास जाबिर बिन हयान थे, जाबिर बिन हयान के बाद ये जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान के बाद हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं दैट इज अब्दुल मालिक आसमाई। अब्दुल मालिक आसमाई जो है ये 740 में पैदा हुए और 828 में इनकी डेथ हुई। ये अब्दुल मालिक आसमाई ये साइंटिस्ट है, ये पहले वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल की सारी डिटेल स्टडी की है। जितने एनिमल हैं उन सब एनिमल्स की डिटेल स्टडी की है कि इनके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, किस तरह से फंक्शंस कर रहे हैं। इनकी जो बुक्स हैं, बुक्स इनकी जाहिर सी बात है, जब इन्होंने एनिमल्स के ऊपर डिटेल स्टडी किया है तो हर एनिमल के बारे में इनकी सेपरेट से बुक है। अब बेटा जो अबील है, अबील वर्ड अरेबिक में हम कैमल के लिए यूज करते हैं, खैल वर्ड हॉर्स के लिए यूज करते हैं, वहूश वर्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, खलक अल इंसान यूज करते हैं, पूरी कायनात में जितने भी मखलूक इंसान जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अब इनकी जो बुक्स हैं उनमें अल अबील है, अल खैल है, अल वहूश है और खलक अल इंसान है। आपको ये इस तरह से भी आ सकता है कि कैमल का
नाम बताएं अरेबिक या फिर अल अबील का, आपसे तर्जुमा पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब तक आपने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि जाबिर बिन हयान जो थे वो ईरान में पैदा हुए, इराक में इन्होंने प्रैक्टिस की। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन जो है पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाई। इनकी जो बुक्स हैं वो अल नबतात अल हैवान है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आपके पास आ रहे हैं उन साइंटिस्ट का नाम अब्दुल मलिक आसमाई है। ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल की डिटेल स्टडी की है। इनकी जो बुक्स हैं उनमें अल अबील है, अल खैल है, अल वहूश है और फलक अल इंसान है। लास्ट साइंटिस्ट आपके पास जो आते हैं वो आते हैं बू अली सीना। बू अली सीना जो है ये 1980 में पैदा हुए एंड 1037 में इनकी जो है वो डेथ होती है। इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन का नाम दिया है कि जितनी भी मेडिसिन हैं उन सब का बानी इनको कहा जाता है। और बू अली सीना को वेस्ट में अविसीना के नाम से जाना जाता है। जो वेस्ट है, जो मगरिब है, वहां पे इनको जो है अविसीना के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आपने लिखना हो इंटरनेट पे, आप सर्च करें अविसीना, तो उनके नाम की आपको डिटेल्ड जितने भी इनके काम है वो आपको सारे नजर आ जाएंगे। अब बेटा ये एट अ टाइम फिजिशियन भी थे, फिजिशियन हम बोलते हैं डॉक्टर को, फिलोसोफर भी थे। फिलोसोफर होते हैं जो स्टोरीज वगैरह, जो इस तरह की राइटिंग्स वगैरह जो लिखते हैं उनको। एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि सितारों का इल्म जानते थे, और पोइट भी थे, शायर भी थे। ये एट अ टाइम इतने काम जो थे वो करते थे। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अल कानून फील थ्योरी। इनकी ये वाली बुक इस कदर ऑथेंटिक है कि इसको कैनन ऑफ मेडिसिन, वेस्ट में कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। जो अल कानून फील तिब है इसको जो बेस्ट है वहाँ पे कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आज आपने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। इन तीनों साइंटिस्ट में सबसे पहले आपके पास जाबिर बिन हयान आते हैं। जाबिर बिन हयान के बाद आपके पास अब्दुल मलिक आसमाई आते हैं, और थर्ड पे आपके पास बोली सीना आता है। ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। इसको आपने हर तरह से तैयार करना है।